हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। बुलंदशहर में बीएसपी के पूर्व विधायक हाजी अलीम की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए यूपी सरकार से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। उनकी दलील है कि जब घर में नए मेहमान के आने के चलते जश्न का माहौल था, ऐसे में हाजी अलीम जैसे जिंदा दिल इंसान कैसे आत्महत्या कर सकता है। हाजी अलीम की मौत के मामले में आया नया मोड़, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, परिवार वालों ने दी दलील, जश्न के माहौल में कोई क्यों करेगा खुदकुशी, सरकार से की पूरे मामले का खुलासा करने की मांग। बुलंदशहर सदर के पूर्व विधायक हाजी अलीम की मौत का मामला गहराता जा रहा है। पुलिस सभी भी हत्या और आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी है। आगरा से फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम बुलंदशहर पहुंचकर जांच में जुट गई है। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बसपा के पूर्व विधायक की कनपटी पर एक गन शॉट इंजरी मिली है। गोली कनपटी के आर पार निकली हुई थी। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल और दो खोखे बरामद किए हैं। प्रथम जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई और पुलिस वहाँ पहुँची पूछताछ की, तो यह जानकारी मिली कि रात लगभग 2 बजे के आसपास से वापस लौटेंगे, कहीं से अपने कमरे में गए। उसके बाद सुबह 10 बजे से लोग जगाने का प्रयास कर रहे थे, बार बार फ़ोन कर रहे थे, नहीं उठ रहा था, खटखटाया दरवाज़ा बहुत देर तक नहीं। जब उठे, इन्होंने ग्रिल को खोल के दूसरी तरफ से सीढ़ी लगा के एक बच्चे को अंदर भेजा और फिर दरवाज़ा जब नोके खुलवाया गया तो वहाँ पर मृत अवस्था में मिले और पिस्टल बगल में पड़ी हुई थी। अभी पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा गया है। डॉक्टरों के पैनल के द्वारा और वीडियोग्राफी सहित इनका पीएम कराया जा रहा है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे उनकी गहराई से विवेचना कर दी जाएगी। उधर परिजनों के मुताबिक 9 अक्टूबर की रात को हाजी अलीम को पोता हुआ था। परिवार में खुशी का माहौल था। अचानक 10 अक्टूबर की सुबह हाजी अलीम का बेडरूम में गोली लगा शव मिलता है। उनका तर्क है कि ऐसे जश्न के माहौल में कोई भला क्यों अपनी जान देगा। बता दें कि बुधवार को हाजी अलीम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पुलिस ने कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित उनके घर से शव बरामद किया। अलीम बुलंदशहर सदर विधानसभा सीट से साल 2007 और 2012 में बसपा के विधायक रह चुके हैं, लेकिन 2017 के चुनाव में उन्हें बीजेपी के वीरेंद्र सुरोही ने हरा दिया था। अब देखना है कि जांच में क्या कुछ सच निकल कर सामने आता है। पुलिस ने हाजी अलीम का गोली लगा शव उन्हीं के बंद पड़े कमरे से बरामद किया। साथ ही पुलिस ने सबके पास से एक पिस्टल और खाली खोखे भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम ने मौका मुआयना कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये राज खुल पाएगा कि ये आत्महत्या थी या फिर हत्या। अनुभव शर्मा, समाचार प्लस, बुलंदशहर।